हे गाइस, स्वागत है आपका फैक्टो स्पेस चैनल पे वापस से। इस चैनल पे हम ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो छोड़ते रहते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में, जिस ब्रिज में काफ़ी सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड पिक्चर शूट होते हैं, और एक 1994 की ऑस्कर विनिंग मूवी भी ऑफिशियल रीमेक बनने जा रही है। तो वो तो लॉकडाउन के बाद ही होगी ऑफकोर्स। तो हावड़ा ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कुछ चालू हुई थी 1937 में, और ये हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने का काम करती है। इसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई 1942 में। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बावजूद इसका कभी इनॉग्रेशन नहीं किया गया, इसको डायरेक्टली इन यूज़ ले लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें करीब लगभग लॉकडाउन से पहले 1.5 लाख व्हीकल, चाहे वो साइकिल हो, कार हो, बस हो, डेली जाते थे, और लगभग 40,000 पैसेंजर्स चल के जाते थे, जो कि हावड़ा और कोलकाता को पार करती है। तो ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज था वहाँ के लिए, और अभी भी है। दोस्तों, इस ब्रिज को बने हुए 81 ईयर्स हो चुके हैं 1942 से 2020, पर उसके बावजूद इसमें एक भी जंग या क्रैक नहीं है, जबकि इसमें 26,000 टन की स्टील यूज हुई है, जिनमें से 23,000 टन स्टील सिर्फ और सिर्फ टाटा कंपनी ने भेजी है, विच इज़ अमेजिंग। इस सच में बहुत मज़ेदार बात है कि टाटा उसमें भी स्टील बनाती थी। वैसे भी टाटा बहुत पुरानी है, और टाटा के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लूँगा, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप दूर से हावड़ा ब्रिज को देखते हैं, तो फिर ये आपको एक हैंगिंग ब्रिज जैसा दिखेगा, यानी झूल रहा ब्रिज। हैंगिंग पार्क्स या गार्डन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जानते ही होंगे, पर ये एक हैंगिंग ब्रिज जैसा दिखता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस हावड़ा ब्रिज को अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और अक्सर ब्रिजेस में आपने देखा होगा कि यहाँ छोटा मोटा मीन्स कैसे ना कैसे अगर वो कोई नदी को पार करता है तो उसमें पिलर्स होते हैं, पर इस हावड़ा ब्रिज ये तो ऐसे ही पहले बहुत बड़ा स्टील का ब्रिज है, उसके बावजूद इसमें कोई भी पिलर नहीं है। इन चार पिलर हैं जो कि लैंड में ही है, जो कि एक कोलकाता साइड है और एक हावड़ा साइड, बीच में नदी में हुगली नदी में एक भी पिलर नहीं है, विच इज़ अमेजिंग। इस ब्रिज की टोटल कुल ऊंचाई 1500 फुट और कुल लंबाई 457 मीटर है। और दोस्तों, ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है कोलकाता के लिए, और अगर आप वहाँ अभी तो जा नहीं सकते फ़िलहाल लॉकडाउन के लिए, लेकिन दोस्तों मैं आपकी राय चाहता कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर कोई और चीज़ हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सीइंग मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और उसको ऑल में रख देना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग गजब फैक्ट्स चाहिए तो बोला ही सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी ला सकूँ आपके सामने। इस वीडियो में जो भी यूज़ हुआ है वो सब इंफॉर्मेशन से लेकर जो भी एडिटिंग टूल सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे